हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार से फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेडिको मैम में। हम सीएचओ की क्लासेस कंटिन्यूस करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टर्न है वो है 15 नंबर का। इससे पहले 14 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ के साथ, उसके साथ मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन करी है जो आपके सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, आज हम इस वीडियो में जूनोटिक डिजीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। वो आपके सामने है, विच इज नॉट द साइन एंड सिम्टम ऑफ वर्म इन्फेस्टिशन। ठीक है, जब वर्म इन्फेस्टिशन हो जाता है बॉडी में तो कौन कौन से साइन बॉडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, तो ये सारे साइन सिम्टम किस में दिखाई देते हैं, हमें वर्म इन्फेस्टिटेशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं देता है वो आपको इसमें से बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस होता है, या फिर डायरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सारे ही साइन सिम्टम क्या दिखाई देते हैं, वर्म इन्फेस्टिवेशन में दिखाई देते हैं। जब भी पेट में कोई कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्म इन्फेस्टिटेशन। ठीक है, तो ये सारे साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। पेट में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइटिस भी होता है और डायरिया भी हो जाता है। लेकिन जो नहीं होता है वो क्या है, ये नहीं होता है, बर्निंग सेंसेशंस वाइल पासिंग यूरिन। जब यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, बर्निंग होती है। तो ये इसका साइन सिम्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। What is the dose of albendazole for children between age 2 to 19 year? Albendazole जो टेबलेट है वो दी जाती है वर्म इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, जब भी पेट में कोई कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं तो एल्बेंडाजोल दी जाती है। तो उसकी डोज बतानी है आपको, कौन सी एज में, 2 से लेकर 19 साल तक का अगर कोई चिल्ड्रन है तो उसमें कितनी डोज इसकी दी जाएगी। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 200 मिलीग्राम दी जाएगी, 300 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम दी जाएगी, या फिर डी ऑप्शन है 500 मिलीग्राम दी जाएगी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 400 मिलीग्राम इसमें क्या दी जाती है, डोज दी जाती है एल्बेंडाजोल की। इसको एज ए डी वार्मिंग के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। याद में रखना कि डी वार्मिंग में कौन सी टैबलेट दी जाती है, तो वो दी जाती है एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे की एज 2 साल से कम है तो उसको जो डोज दी जाएगी वो दी जाएगी 200 mg, इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एनडीडी, ठीक है, एनडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे। कब इसको ऑब्जर्व किया गया था या कब से इसको स्टार्ट किया गया इंडिया में, तो वो बताना आपको। ऑप्शन ए है 10th जनवरी, या फिर 10th फरवरी, या 10th अगस्त है, या फिर 10th नवंबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हर साल 10th फरवरी को क्या बनाया जाता है, एनडीडी सेलिब्रेट किया जाता है, या नेशनल डीवॉर्मिंग डे के रूप में इसको वो मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मनाया जाता है इसको, इसको डेट है ये, तो इस डेट को आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अभी गई है कुछ दिन पहले ही, इसमें क्या किया जाता है, 2 से 19 साल तक के बच्चों को क्या दी जाती है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। स्कूल वगैरह में है, आंगनवाड़ी है, और या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चों को भी ये सारी टैबलेट आशा और ANM के द्वारा वितरित की जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10th फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फूड बॉर्न हेलमेंथीज, इनमें से कौन सा हेलमेंथीज फूड बॉर्न है। ठीक है, फूड की वजह से होता है, उस खाने को
की वजह से ये बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए है ट्राइक्यूरिस की वजह से, टीनिया सोलिम है, एस्केरिस है या हुकवर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देती हूँ एक बार मैं आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, टीनिया सोलिम है। वो क्या है, फूड बोर्न हेलमेंथीज है, मतलब फूड की वजह से ये होता है। तो ये कौन सा फूड की वजह से होता है, जैसे कि उसको पोक बोलते हैं, ठीक है, जो सुअर का जो मांस होता है, कच्चा मांस होता है, उसको खाने की वजह से क्या होता है, टीनिया सोलिम होता है। एक होता है टीनिया सेजिनेटा भी होता है, लिख लेना आप अपनी कॉपी में। टीनिया जो सेजिनेटा होता है वो किसकी वजह से होता है, बीफ की वजह से होता है, जो काउ होती है, काउ के मांस को खाने की वजह से क्या होता है, सेजिनेटा होता है, टीनिया सेजिनेटा होता है। बल्कि ये सारे जो है ट्राइकोरिस, इसको चाबुकर्मी भी बोलते हैं, एस्केरिस है, इसको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोला जाता है, हुक वर्म जो, ठीक है, जो हुकर जैसा होता है। तो ये सारे होते हैं जो क्या होते हैं कि कंटामिनेटेड जैसे वेजिटेबल वगैरह है उनको खाने की वजह से ये सारी बीमारी होती है। बल्कि जो टीनिया सोलिम है ये कहा किससे होता है, जो सुअर का मांस है उसको खाने की वजह से होता है। ट्रीटमेंट फॉर ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यू इफ एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल जो रैबिड एनिमल है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड, मतलब कोई एनिमल है, डॉग कैट है, अगर वो हेल्दी है कितने दिनों तक उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ताकि उसको जो ट्रीटमेंट उसको क्या कर सके, डिसकंटिन्यू कर सके। द ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यू, कब कर सकते हैं उसको ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू, इफ एनिमल रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ, अगर जो एनिमल है वो कितने दिनों तक हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि एनिमल हेल्दी है या नहीं है, ताकि जो रेबीज का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको क्या कर सके, डिसकंटिन्यू कर सके। तो वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है 3 डे, 7 डे, 10 डे या फिर 24 डे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 डे, 10 दिनों तक हमें उस कुत्ते की या फिर जो रैबिट एनिमल है उसकी क्या करनी है, निगरानी रखनी है। अगर वो हेल्दी है तो हमें क्या कर सकते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ रेबीज वायरस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉर हाउ मेनी आर, जो रेबीज वायरस है वो क्या हो सकता है, उसकी लाइफ को क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए या हॉट किया जाए, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन कितने घंटे तक उसको क्या करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना है ये बताना है। तो 2 आर है, 35 सेकेंड है, 4 आर है या 50 सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 आर तक अगर रेबीज वायरस को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है तो उसकी लाइफ है जो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है। ठीक है, ये जो रेबीज वायरस है वो हीट से क्या हो सकता है, मर सकता है, या पाश्चराइजेशन की जो प्रोसेस है उससे भी क्या हो सकता है, ये या इनएक्टिव हो सकता है। ये कह सकते हैं जैसे जो जैसे डॉग बाइट कर गया या कैट बाइट करी, कोई भी रेबिड एनिमल किसी को बाइट कर जाता है तो तुरंत उसके जो वुंड है उसको सोप से क्या करने के लिए बोलते हैं, वॉश करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो वो वायरस है उसके अंदर जो वायरस गए वो क्या हो सकते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो रेबीज एनिमल जैसे किसी को खा जाता है तो उस टाइम अगर उसके वुंड हो जाता है, बहुत ज्यादा डीप वुंड भी हो जाता है, तो सूचरिंग के लिए इसमें क्या करते हैं, अवॉइड करा जाता है। इस कंडीशन में सूचर नहीं करते हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रैबिड एनिमल के बाइट करने पर सूचरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कई वाईवाई में इसको क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि रैबिड एनिमल के बाइट करने पर सूचरिंग अवॉइड करनी चाहिए एज पॉसिबल, ठीक है, जहां तक हो सके। कई बार जैसे ज्यादा हो जाता है घाव तो उस कंडीशन में तो क्या है, सूचरिंग करनी ही पड़ती है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, बट रेयर केसेस में क्या करते हैं, इसमें सूचरिंग को अवॉइड ही किया जाता है। क्वेश्चन है शेप ऑफ रेबीज आरएनए वायरस, जो आरएनए वायरस होता है रेबीज का उसकी शेप कैसी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे तो इसको स्टार लगा लेना आप। इसकी जो शेप होती है बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको बताना। ऑप्शन ए है बटन शेप का होता है, बुलेट शेप का होता है, ओवल शेप का होता है या फ्लैट शेप का होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बुलेट शेप है, इस आरएनए वायरस की शेप होती है, रेबीज आरएनए वायरस होता है उसकी जो शेप होती है वो बुलेट शेप की होती है।
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोक टेपवर्म पायरेजर क्विंटल इज गिवन एज, पोक वर्म किसी को इन्फेस्टिमेशन हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या दी जाती है, पैराजी क्विंटल दी जाती है। याद रखना इस टैबलेट का नाम पैराजी क्विंटल दी जाती है। और कितनी दी जाती है, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है सिंगल डोज दी जाती है 5 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी, या सिंगल डोज 15 to 20 मिलीग्राम दी जाती है, या डबल डोज दी जाती है 5 से लेकर के 10 मिलीग्राम पर केजी, या डबल डोज 15 से लेकर के 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दी जाती है। कितनी दी जाएगी इसकी डोज, तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी आप, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सिंगल डोज देते हैं इसमें और 5 से 10 मिलीग्राम की वो टैबलेट होती है, एक ही टैबलेट इसमें दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज द सिम्टम ऑफ, हाइड्रोफोबिया किसका सिम्टम है, रेबीज का है या फिर टिटनस का है, इजी क्वेश्चन है, या फिर टाइफाइड का है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका ए इज द राइट आंसर, रेबीज का है। हाइड्रोफोबिया इसमें पर्सन को क्या होता है कि पानी से डर लगने लग जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज, रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 30 to 90 days का होता है, या फिर 12 to 24 days का होता है, या फिर सी है आपका 15 to 90 days का होता है, या डी ऑप्शन है 10 to 12 days का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान में रखना इसको, 30 से लेकर 90 days तक क्या होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्वेश्चन इज टीनिया सोलिम फाउंड इन, जो टीनिया सोलिम है वो किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन है आपके सामने पॉक में, बीफ में, बोथ या नन ऑफ दी अबाव। मतलब राइट आंसर इसका ए है, जो पॉक है उसमें जो सुअर का मांस होता है उसमें टीनिया सोलिम पाया जाता है, जो बीफ है मैंने बताया आपको टीनिया साजेनिटा इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन है इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जो यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसका इन्फेक्शियस एजेंट बताना आपको क्या है, कैंडिडा एल्बिगेंस है, या ट्राइकोमोनास वेजानालिस है, हर्पीस सिंप्लेक्स है, या नन ऑफ दी अबव। ये सारे क्या है, एसटीआई है या फिर आरटीआई कह सकते हैं, ठीक है, आरटीआई में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट इन्फेक्शंस, ठीक है, ये भी क्या है हमारी जूनोटिक डिजीज के अंदर ही ये आती है सारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, कैंडिडा एल्बिकेंस इसका सही आंसर होगा। यीस्ट इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से। अब ये एक चार्ट और है, इसको देख लीजिए आप, इसमें से ये सारे आप याद कर लेना किस किस की वजह से कौन कौन सी इसमें डिजीज होती है। जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रेपेनो पैलेडियम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, सिफिलिस ट्रेपेनोमा पैलेडियम की वजह से होता है और ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसी तरह से हर्पीज है, वो किससे होता है, हर्पीज होता है आपका हर्पीस सिंप्लेक्स है और ये क्या है, एक वायरस है, ठीक है। इसके अलावा जो कैंक्रोइड है वो किससे होता है, हीमोफिलस ड्यूक्राई से है और ये क्या है, एक तरीके से बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है और ये किससे होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ये क्या है, इसका एजेंट है जो ये डिजीज कॉज करता है और ये क्या है, एक तरीके से बैक्टीरिया है। नेक्स्ट डिजीज गोनोरिया, ठीक है, याद रखना गोनोरिया है, कौन सा है इसमें एजेंट, नाइजीरिया गोनोरिया है और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, ठीक है, ध्यान में रखना ट्राइकोमोनास जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस की वजह से होता है और ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ये इंपॉर्टेंट है कुछ डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की और सेक्सुअल ट्रांसफर इन्फेक्शंस की, ये कुछ डिजीज हैं, इनको आपको याद में रखना है। इसके साथ साथ इसके जो एजेंट हैं वो भी आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। हम इस वीडियो में पूरा अब जो कम्युनिकेबल डिजीज का जो पोर्शन था वो हम सारा कवर कर चुके हैं, इसके बाद 2 से 3 वीडियोस और बनेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, उसमें मैं सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, और कोरोनरी हार्ट डिजीज है, वास्कुलर जो डिजीज होती है वो हो गई,
उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे सारे कवर कराने की मैं अपने वीडियो में कोशिश करूंगी। और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये एमसीक्यूज और इसमें से आपके क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।